तो हे गाइस, एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं अवतार 2 मूवी का रेफरेंस फोटो, और हमने यहाँ पे ले लिया है और दोनों आई को हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। और आज हम लोग बताने वाले हैं कि ग्रेफाइट और चारकोल को किस तरह से मिक्स करके ड्रॉ किया जाता है। तो गाइस, वीडियो पर बने रहें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच जाए। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ग्रेफाइट को यूज करेंगे, उसके बाद ऊपर से चारकोल को यूज करेंगे। तो गाइस, दोनों अच्छा तरह से मिक्स हो जाता है। और ग्रेफाइट को हम लोग सबसे पहले हल्के हल्के प्रेशर में यूज करेंगे तो ही चारकोल ऊपर से अप्लाई हो पाता है, नहीं तो एक ही बार डायरेक्ट प्रेशर के साथ करोगे तो गाइस बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ आपको ध्यान पे रखना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग हल्के प्रेशर में लाइट दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमने आउटलाइन का ग्रेफाइट पेंसिल भी यूज किया है और मैकेनिकल पेंसिल भी यूज किए हैं। सबसे ज़्यादा मैकेनिकल पेंसिल को यूज किए हैं हम, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जब भी हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स डॉट दिख रहे हैं वहाँ पे हम लोग टोम्बो मोनो इरेजर का यूज किए हैं ताकि हाईलाइट्स वगैरह दिख सके। और टोम्बो मोनो इरेजर का रहना बहुत ज़रूरी है छोटे छोटे पार्ट्स में हाईलाइट देने के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना है। आपके पास अगर टोम्बो मोनो इरेजर नहीं है तो गाइस आप इरेजर को काट के बना सकते हो। तो छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो यही मैं कहना चाहता हूं। और आप यहां पर देख सकते हैं, हमारा ड्राइंग बन के तैयार हो चुका है। और चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट डे दोबारा, तब तक के लिए बाय। तब तक से वीडियो को एंजॉय कीजिए और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट डे।